कल पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड दिल्ली में आकाशवाणी केंद्र में रिकॉर्ड हुआ कार्यक्रम, वीडियो हुआ जारी। बेंगलुरु में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, पीएम मोदी ने उम्मीदवारों के साथ किया चुनाव प्रचार। खड़गे के बयान पर पीएम मोदी का करारा जवाब, बोले कांग्रेस ने मेरे लिए गालियों की लिस्ट बनाई, जितनी गाली देंगे उतना कमल खिलेगा। माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, गैंगस्टर एक्ट केस में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। मुख्तार पर कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और मर्डर का भी आरोप, 6 मई को होगी मामले की सुनवाई। मुख्तार के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, हेट स्पीच के मामले में जारी हुआ वारंट। मुख्तार को सजा मिलने पर बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का बयान, कहा यही बदलते उत्तर प्रदेश की निशानी है। पहलवानों के आरोप पर ब्रजभूषण शरण सिंह का पलटवार, कहा धरने के पीछे कांग्रेस और एक उद्योगपति का हाथ। दिल्ली पुलिस पहलवानों को देगी सुरक्षा, जल्द ही पीड़ितों के बयान दर्ज किए जाएंगे। पहलवानों के धरने में शामिल हुई प्रियंका गांधी, रेसलर्स से की मुलाकात। प्रियंका गांधी ने मांगा ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा, कहा ब्रजभूषण को मिला सरकार का संरक्षण। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों से मिले मुख्यमंत्री केजरीवाल, कहा दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल के काम को नहीं रोक पाएंगे। आर्मी के आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन की गई 5 महिला अधिकारी, पहली बार महिलाओं को रेजिमेंट में किया गया शामिल। बेंगलुरु में बायजूस के दफ्तर में ईडी की रेड, बायजूस के सीईओ के ठिकानों पर छापे, दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त, फेमा के तहत जांच एजेंसी की कार्रवाई। करोड़ों की ठगी करने वाला संजय शेरपुरिया गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से पकड़ा। पटना पुलिस ने महिला शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद। मुंबई में प्री स्कूल के बच्चों को पीटने का मामला, दोनों आरोपी टीचर्स को पुलिस हिरासत में भेजा गया। जिया खान सुसाइड में बरी होने के बाद आदित्य पंचोली पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर, भगवान के किए दर्शन। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, पर्यटकों की संख्या में आया उछाल। मध्य प्रदेश में गर्मी में मॉनसून जैसे हालात, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। राजौरी में सेना की गाड़ी का एक्सीडेंट, 2 जवानों की मौत। मुंबई के भिवंडी इलाके में 2 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी गैंग पर बड़ा एक्शन, 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, करोड़ों के ड्रग्स जब्त। सहारनपुर में छात्रों के 2 गुट के बीच झड़प, दोनों गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। जामताड़ा में साइबर फ्रॉड करने वालों पर एक्शन, पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 सिपाही मुठभेड़ में घायल। लखीसराय में शराब तस्करों पर कार्रवाई, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नालंदा में जमीन पर बैठकर परीक्षा देते नजर आए छात्र, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जालौन में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। झारखंड के गिरिडीह में अवैध बालू खनन करने वालों पर एक्शन, बालू से लदे 1 दर्जन ट्रैक्टर को जब्त किया। शाहजहांपुर में पेड़ से टकराई जीप, हादसे में 1 दर्जन लोग घायल। बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल, महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। कन्नौज में सड़क पर दिखा 13 फीट का अजगर, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर 3 मई तक रोक, खराब मौसम की वजह से प्रशासन का फैसला। बिहार के भोजपुर में हवाई फायरिंग करता नजर आया युवक, पुलिस ने FIR दर्ज की। हरदोई में बेटी से रेप के मामले में पिता को उम्र कैद की सजा, 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का था आरोप। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी जारी, धाम के आसपास बर्फ की मोटी परत दिखी। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार मामले में पीटीआई नेता परवेज इलाही के घर छापा, दरवाजा तोड़कर घर में घुसी पुलिस, महिला समेत 11 लोग गिरफ्तार।
सूडान की राजधानी खार्तूम में गोलीबारी जारी। सूडान में अब तक 512 लोगों की मौत का अंदेशा, हजारों लोग घायल। सूडान में युद्ध के चलते चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, जरूरी दवाइयों की भी हुई कमी। यूक्रेन के ओमान में रूस का मिसाइल अटैक, हमले में 4 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत। अर्जेंटीना में लगातार बिगड़ रही है अर्थव्यवस्था, पैसों में गिरावट जारी, दोगुने हुए कपड़ों के रेट। कोलंबिया में सैनिकों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 10 टन ड्रग्स बरामद, 9 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। क्रीमिया के तेल भंडार पर ड्रोन अटैक, हमले के बाद भंडार में लगी आग। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी, हमले में 5 लोगों की मौत। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी, कहा अमेरिका के साथ संबंधों से स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। Z News.